नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं ओमान से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ओमान ने कुछ भैया अपडेट किया है। अपडेट का मतलब समझ सकते हैं कि एक्चुअल में गल्फ कंट्रीज जीसीसी में 6 कंट्री आती हैं, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत। ये 6 कंट्रियों में लगभग पहले वेट फ्री था, यानी यहाँ का एक सिस्टम है कि यहाँ पे तेल वगैरह या फिर यहाँ की छोटी कंट्री हैं, इनकम बहुत अच्छी होने की वजह से यहाँ पे वेट नहीं लगाया गया। लेकिन जैसे जैसे मतलब एक तो एक्चुअल में खर्चे बढ़ जाते हैं या फिर ये लोग भी ज़्यादा एक तरह से अपनी भाषा में बोले तो सियाणा हो जाना, ठीक है, क्योंकि जीसीसी में सब लोगों को पता है कि यहाँ के लोग तो हैं 15% 10%, बाकी 90% कौन है? बाहर की पब्लिक, यानी पैसा कमाती है, पैसा इन कंट्रीज से बाहर जाता है, अपनी अपनी कंट्रीज में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी करते हैं। तो उनको पता है कि यहाँ पे इनका इतना इफेक्ट लोकल लोगों का नहीं पड़ता जितना दूसरे लोगों को पड़ता है। तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, फिर वेट लगाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आपको पता है दुबई ने वेट लगाया, अब ये शायद तीसरी कंट्री है या चौथी कंट्री है वेट लगाने वाली। 6 कंट्रियों में से दुबई में वेट लग रहा है, सऊदी में वेट लग रहा है, ओमान में लग रहा है, एक कंट्री और है शायद 5% वेट, हालांकि इंडिया से बहुत कम है, 5% वेट अभी ओमान ने स्टार्ट कर दिया। आप सबको पता है ये 180 दिन यानी आने वाले 6 महीने में ये सिस्टम वेट वाला लागू हो जाएगा। मान के चलते हैं अप्रैल तक, 2021 अप्रैल तक ये वेट स्टार्ट हो जाएगा। अभी अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं तो आपके ऊपर 5% एक्स्ट्रा भार पड़ने वाला है। जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिलती थी वो अभी आपको 105 रुपये में मिलेगी। हालांकि कुछ चीज़ों में छूट मेल हुई है, अच्छी बात यह है कि जो आपको ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो पहले है वैसे वो चलता रहेगा। लेकिन अभी आपको पता है ओमान में लॉकडाउन भी लग चुका है, आप सबको पता है कोरोना की थोड़ा बढ़ने की वजह से, हालांकि रफ्तार इतना मान नहीं सकते लेकिन वो उनकी नज़र में ज़्यादा होने की वजह से लॉकडाउन लग चुका है। गवर्नमेंट ने कुछ नए अपडेट किए, एक ये अपडेट भी किया कि भाई अभी मौत की सज़ा थी उसके नियम में भी कुछ बदलाव किया है, डायरेक्ट मौत की सज़ा नहीं मिलकर कुछ उसमें परिवर्तन किया, एक वेट वाला उसमें कर दिया जो 6 महीने बाद अप्रैल 2021 में लागू हो जाएगा। डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। देखना यह कि कौन कौन सी चीज़ों में वेट लगेगा, कौन सी में नहीं मिलने लगेगा, पूरी डिटेल से बात करेंगे। सकते हैं वो चीज़ें बताऊंगा जिसमें टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है साथियों। आप टैक्स नहीं लगने वाली देख लीजिए, इनमें नहीं लगेगा, बाकी जो चीज़ें हैं सब में टैक्स लगने वाला है, तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। खाद्य वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सेवा, शिक्षा सेवा से संबंधित इनमें वेट आपका नहीं लगेगा। इसी प्रकार अचल संपत्ति, जैसे आपका प्लॉट है, आपका नॉर्मल जैसे निजी प्लॉट है, आपका मकान है, उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। कॉमर्शियल, अगर आप सेल, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उस पर आपका टैक्स लग जाएगा संपत्ति में। आपको परिवहन, जैसे आप रोडवेज वगैरह बस या आपका जो है ट्रेवल वगैरह है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट वगैरह अगर आप करते हो यात्रा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। माल यात्रियों के, उन पर टैक्स नहीं लगेगा, इसमें बिल्कुल छूट दी गई है। दवा, मेडिकल वाला छूट इसमें दी गई है, भाई आप बीमार हो जाते हो, आप कोई दवाई खरीदते हो तो बिल्कुल टैक्स फ्री है। विकलांग लोगों के लिए दान वगैरह जो होता है उस पर भी बिल्कुल टैक्स फ्री इसमें दिया गया है। सोना, चांदी, प्लेटिनियम का आयात, उनमें छूट दी गई है। समुद्री वायु, भूमि परिवहन वाहनों का आयात वेट के दायरे से बाहर है, क्योंकि विमान, बचाव जहाज जैसे उत्पादनों का आयात होता है। कच्चे तेल उत्पाद या फिर प्राकृतिक गैस के आयात पर भी वेट नहीं लगाया जाएगा। माल और सेवाओं पर 5% की टैक्स दर से वेट लगाया जाएगा। माल और सेवा यानी आप बिजनेस करोगे उस पर आपका टैक्स लगेगा, ये 6 महीने बाद लागू हो जाएगा। हालांकि ये 2016 का जो एक इनका समझौता हुआ था जीसीसी का, उसके तहत ये वेट 2016 से ही काफ़ी कंट्रीज ने, 2-3 ने तो लगा दिया था, लेकिन इन्होंने अब लगाया है 2020 में जो 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। मौत की सज़ा, जी हाँ साथी, ओमान में अगर किसी को मौत की सजा हो जाती है तो उसका एक अलग से पैनल बनाया जाएगा, उसके हिसाब से सजा को सुनाया जाता है। हालांकि ओमान में भी ऑप्शन है कि अगर आप ये या कैदी को सजा सुना दी जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपनी इसको याचिका को दायर कर सकता है फांसी के खिलाफ। उसके बावजूद भी सुल्तान की मंजूरी के बिना इसको निष्पादन नहीं किया जाएगा। लास्ट ऑप्शन सुल्तान है, जैसे इंडिया में राष्ट्रपति होता है। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने एक शाही फरमान जारी कर दिया है जिसमें मौत की जारी करने से संबंधित दृढ़
प्रतिक्रिया पर देश के कोड में संशोधन किया गया। जी हाँ साथियों, डिग्री के अनुसार क्रिमिनल कोड राय की एकमत के बिना मौत की सजा नहीं देगा, यानी इसमें एक बता दूं, एक क्रिमिनल कोर्ट की राय एकमत होगा। इसका फैसला सुनाने से पहले अदालत को मामलों के दस्तावेजों को सुल्तान के आदेश पर गठित समिति को भेजना होगा। फैनल की अध्यक्षता संतुलन के ग्रेड मुफ्ती या उसके सहायक द्वारा की जाएगी। इसमें शरीयत आधारित राय देने के लिए अध्यक्ष द्वारा नामित दो अनुभवी सदस्य शामिल होंगे। कमेटी की राय अगले 60 दिनों के बेहतर अदालत में नहीं दी जाती है तो मामले को ट्रिब्यूनल नियम बनाता है। यदि एकमत नहीं मिलता है तो मौत की सजा को उम्र कैद के साथ बदल दिया जाता है। जी हाँ, साई डिग्री ने कहा कि संशोधन ओमान के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होना है। प्रकाशन के अगले दिन में शुरू होता है। ओमान में मौत की सजा पाए अपराधियों को अपील करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करना, फैसला अंतिम होने के बाद सुल्तान की मंजूरी के बिना निष्पादन नहीं किया जा सकता। जी हाँ, यानी कहने का मतलब नियम वाइज ठीक है, गल्फ कंट्रीज हैं इनमें, लेकिन लगभग इंडिया जैसा ही है, सेम, ज़्यादा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फाइनल जो डेथ है उस पर मोहर लगती है वहाँ के सुल्तान की, इंडिया में लगती है राष्ट्रपति की। बाकी बस यही है, दो अपडेट थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा ओमान से रिलेटेड, तो आपको देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।